वेलकम टू गुरुमंत्र, शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर नेहा तनेजा। होपफुली आप सभी अच्छे हैं, सेफ हैं, खुश हैं। सो गाइस, टुमारो इज योर एग्जाम एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इस बार सबसे लंबी छलांग हम ही मारेंगे, JRF तो लेकर रहेंगे, बिल्कुल लेकर रहेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आर सेइंग, मैम डर लग रहा है, मैम नर्वसनेस हो रही है। डर से क्या डरना, व्हाई टू फियर फ्रॉम फियर? नो, यू पीपल विल रॉक। मेरे को टोटली इन्फिनिटी टाइम आप पर भरोसा है। आप अपनी मेहनत, मेरी मेहनत, दोनों को मिलाकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएंगे एंड JRF आपके हाथ में होगा, डेफिनेटली आपके हाथ में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लास्ट टाइम मुझे आप लोगों से शेयर करनी है लास्ट मिनट्स में। इट्स इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे आपके इतने प्रीशियस टाइम में से, ताकि अगर थोड़ी सी भी गलती होने की गुंजाइश है तो वो गुंजाइश हमारी नहीं रहे। एंड बच्चों रिलैक्स, आप जितना ज़्यादा नर्वस होगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस लेवल डाउन जाएगा। आप अच्छे से इन बातों को जानते हो, सो व्हाई टू टेक रिस्क, जस्ट चिल। सबसे लंबी उड़ान, सबसे लंबी छलांग, अरे हमें ही तो माननी है ना, और कौन है, हम ही हैं, हम हैं, बाकी सारा पानी कम है, राइट? चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इन केस अभी मेरी एक स्ट्रैटेजी पर क्लास हुई थी, आई डोंट नो आपने वो क्लास देखी है या नहीं देखी, बट उसका क्रिस्प मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, सो दैट अगर किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो गई है तो आप जो है प्लीज़ एक बार उन चीज़ों को गो थ्रू कर लें। सबसे पहले बेटा, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, दिस इज एन एग्जाम, रिलैक्स। रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना पैनिक करोगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखिएगा एवरी वन ऑफ यू। अगर इसको हाई करोगे तो इट विल गो डाउन, एंड ये तो हमें करना नहीं है, हमें तो चिल एंड रिलैक्स रहना है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, नॉर्मल एग्जाम्स की तरह आराम से आप रिलैक्स रहिए, कल भी रिलैक्स रहिए 3 घंटे तक, एंड बिल्कुल नॉर्मल होकर आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप एक अपने ब्रेन को ये सिग्नल दोगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कल पता नहीं क्या होने वाला है, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है, आपका परफॉर्मेंस लेवल भी डाउन हो सकता है, वो हमें किसी हालत में नहीं करना। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर, आप लोगों के क्लास में एंटर होने के बाद, वहां की मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ मेक श्योर अपनी स्क्रीन पर एक एक चीज़ आप लोग चेक कर लें, आपका माउस, माउस का कर्सर, आपका सिस्टम, एवरीथिंग इज एक्यूरेट, दैट इज योर ड्यूटी, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट 180 मिनट 3 घंटे आप बैठकर उस पर लाइक पेपर सॉल्व करने वाले हो, आपको सिस्टम यूज करना है, यू मस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट। इफ अगर कुछ प्रॉब्लम लगता, बिकॉज लास्ट टाइम ये स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, मेक श्योर आप इन्विजिलेटर को बोलें ताकि वो आपको दूसरा सिस्टम असाइन कर दें। तो सिस्टम प्रॉपरली करेक्ट कली काम कर रहा है कि नहीं करना, वो आपको देखना आपकी जिम्मेदारी, इट्स योर ड्यूटी। मोर ओवर पूरा नाम स्क्रीन पर, सब कुछ सही है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना है, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, वॉट एवर जो भी दे रखा है, आपकी पिक्चर, दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट यू हैव टू चेक। एक समय आएगा लाइक जब आपको आपका पासवर्ड दिया जाएगा, जो यूजली डेट ऑफ बर्थ होता है, उसको एंटर करने के बाद जितना भी इंस्ट्रक्शंस आएगा, दैट यू हैव टू रीड करेक्टली, केयरफुली। आप कोई सी भी बार में पेपर दे रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वॉट एवर, आपको एक बार रीड करना है। इफ़ यू हैव 15 मिनट्स टाइम, मेक श्योर कि आप उसको सही से यूटिलाइज करें, एंड पूरा 15 मिनट जो आपको मिलता है इंस्ट्रक्शंस का पढ़ने का, वो पढ़ें। आफ्टरवर्ड्स आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है एंड लॉग इन कर देना। जैसे ही आप लॉग इन करोगे, जैसे ही टाइम हो जाएगा, आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अब शुरू होती है आपकी असली दौड़। यहाँ से आपको 180 मिनट बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ध्यान के साथ आपको देने हैं, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव एंड अलर्ट,
इन नेक्स्ट 180 मिनट्स और 3 आवर्स ऑफ टाइम। तो सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ सेक्शन सी के साथ हमेशा शुरुआत करें। पहली चीज़, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हाई होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। एंड अगेन, आप सेक्शन ए से शुरू करते हो, वहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो वहाँ आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि सेक्शन सी के साथ आप हमेशा शुरू करें, उल्टा शुरू करें। आपको क्वेश्चन का पैटर्न पूरा पता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, 71st से 145th तक आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मेक श्योर आप वहाँ से पढ़ना एंड करना शुरू करें। आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ह्यूज चॉइस है, एटलीस्ट उसको आप 3 बार पढ़िए, दैट इज वेरी मच नीडेड। क्योंकि बेटा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। आपको सही करने पर 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 1 नंबर आपका नेगेटिव भी जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी, हमारे लिए तो 0.25 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर तो बहुत दूर की बात है। मेक श्योर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करें, फिर ही उसी के लिए प्रोसीड करें। कभी भी बड़े नेशनल लेवल के पेपर में बेटा ये मायने नहीं रखता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, आपका क्वेश्चंस को चूज करने का क्या तरीका है, वो ज़्यादा मायने रखता है। आपके पास एक बहुत अच्छी खासी चॉइस है, यू हैव अ ह्यूज चॉइस, मेक श्योर आप उसको यूटिलाइज करें। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस, मैच द टाइप क्वेश्चंस, जो आपको ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी देंगे चीज़ों का सही होने की, वो आप कीजिए। अपने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको चुनना है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस रैंडमली मिलेंगे, है ना। आपको अपनी यूनिट के क्वेश्चन को जो आपने प्रिपेयर किया है वो चूज करना है, एंड सही सही जिस पर आपको 100% श्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क का कोई फैक्टर ही नहीं है। अगेन, क्वेश्चन आपके सामने आता है, रैंडम आता है, आप देखिए कि आपकी यूनिट का क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन लेट से यूनिट नंबर 9 से है, डाइवर्सिटी से है, टेक्निक से है, किसी से भी जो आपने प्रिपेयर नहीं किया, तो उस पर टाइम बर्बाद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको टाइम बचाना है, बर्बाद नहीं करना। बाद में भी आप पूरा पेपर एनालाइज कर सकते हो, पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, बट वहाँ आपको 3 घंटे में पेपर करके, रिवाइज करके सबमिट करना है, वो भी सॉल्व करके। सो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी यूनिट का क्वेश्चन है कि नहीं है, उसी के लिए आपको फोकस करना है, उसी को आपको टारगेट करना है। मोर ओवर, ये आप ध्यान रखें, ये चीज़ बच्चे बहुत गलती करते हैं, इनकरेक्ट नॉट जैसी चीज़ें फोकस करनी है। अपनी विजुअल एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग रखनी है आपको, बिकॉज दैट इज अगेन वेरी मच नीडेड। आपके पास पेन पेपर नहीं है, आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल पीक पे ले जाना होगा, जिससे कि आप अपना अच्छे से अच्छा दे सके। अगर आपके सामने कोई एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि प्लीज़ जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने है उसको पहले ब्रेक करो, तोड़ो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है, इतना लॉजिक हम लगा सकते हैं। एंड साथ साथ जो आपको रफ शीट अवेल कराई जाती है उस पर आप डायग्राम बनाते जाओ, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट रिलेट हो सके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी आती है, एक रेलेवेंसी होती है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस का आपको यूज़ करना है, स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस के लिए जो कि एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं, ताकि आप उनको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ के सही आंसर पर फोकस कर सके। नेक्स्ट, आपको 25 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन, नहीं तो 12 से 13 क्वेश्चन तो पक्का से पक्का कॉम्बिनेशन वाले, मैच द कॉलम वाले मिलते हैं, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा। तो मेक श्योर ऐसे क्वेश्चंस को आप ढूंढें जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अच्छे से एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी काम करती है एंड आप अपना सही आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में कुछ बाकी है, या फिर आप ग्राफिकल क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो, मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप को देखो, आफ्टरवर्ड्स आप जो है खाली ग्राफ है तो उसको भरो,
अब ऑब्वियसली स्क्रीन पर तो वो चीज़ होगी नहीं, आपको कॉपी की हेल्प लेनी पड़ेगी एंड खुद ही अपने आप को समझाना पड़ेगा। वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है अगर आप ग्राफिकल क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हो तो। दूसरी चीज़, अगर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप टारगेट कर रहे हो, ये लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, आप नीचे ऊपर स्क्रॉल करके जाते हो, ठीक है, वहाँ पर टाइम लगता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो क्लूज आपको मिल रहे हैं वो आप साथ साथ नोटबुक में लिख सकते हो, जो रफ शीट आपको मिलती है, ताकि आपको ज़्यादा ऊपर नीचे स्क्रॉल में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ 25 क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अकेला सेक्शन सी आपको 100 मार्क्स दे रहा है, इससे कम नहीं बेटा, इससे कम करोगे तो चांसेस आपके कम होंगे। अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली आप 25 करो, रिस्क तो किसी हालत में नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बट ऐसा भी नहीं कि 16 कर दिए, 15 कर दिए, छोड़ दिया, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आपको 25 क्वेश्चंस एक्यूरेटली मिल पाए। टाइम अलॉटमेंट बहुत ज़रूरी है सेक्शन सी में, हालांकि हर किसी का अपना अपना लेवल है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि 3 से 4 मिनट आप दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं आप 10-10 मिनट एक क्वेश्चन को लेकर बैठे हो, वो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो आपका टाइम स्क्वीज करता जाएगा नेक्स्ट सेक्शंस के लिए। तो टोटली अगर मैं 25 के हिसाब से बोलूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँ, दैट इज़ 100, अप्रॉक्सीमेटली 90-100 मिनट का टाइम आप दे सकते हो, जो कि सेक्शन सी के लिए होगा। 3 घंटे में मेजॉरिटी का जो टाइम है वो आपको सेक्शन सी को देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेक्शन सी ही करेगा। इसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 80-90 मिनट्स लगभग ऑन एन एवरेज बचेंगे, जो कि हमें बी और ए सेक्शन में यूटिलाइज करने हैं। नेक्स्ट आप सेक्शन बी पर मूव करोगे। बी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स करते हैं स्टूडेंट्स के, इनफैक्ट सेक्शन सी में स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं बट बी में गड़बड़ करते हैं, जितना सी में सही किया बी में नेगेटिव मार्क करके सब खराब, वो आपको नहीं करना है। अगर 35 क्वेश्चंस आपको बोल रहा है, डजंट मीन आपको 35 कंपल्सरी करने हैं, नो, डेफिनेटली नो। आप ऑन एन एवरेज 20-30 के रेंज में, 20-25 के रेंज में भी कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। सो ओनली वही क्वेश्चंस को आपको टच करना है जो आपको आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप 1 से 2 बार पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि मुझे आता है कि नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चंस जो है आराम से सॉल्व हो जाते हैं। कभी भी गेस तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिस्क नहीं लेना, हमें एक एक कदम अपना फूक फूक कर रखना है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पर हमें फोकस करना है, बिकॉज आपके पास लिमिटेड चॉइस है सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 75 क्वेश्चंस में से 25 करने हैं, 50 छोड़ने हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको 50 क्वेश्चंस टोटल मिलते हैं, जिसमें से आपको 35 करने होते हैं, 15 छोड़ने होते हैं। सो यहाँ पर चॉइस लिमिटेड है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उसको भी आपको सही तरीके से लिमिट यूज़ करना है पेशेंस के साथ। 2 से 3 मिनट आप दोगे, इससे ज़्यादा समय नहीं, इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। समय बर्बाद करने का कोई भी चांस हमें यहाँ नहीं लेना है। टोटली आप देखोगे लगभग 45-50 मिनट्स में ये सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि 45-50 मिनट्स में आप इस सेक्शन को कवर कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं। एंड ये चीज़ें आपको शुरू से ही मैनेज करने के चलनी पड़ेंगी, नहीं तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स सेक्शन ए को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते, बट अगेन आई गेस 15 क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स के हैं, 30 टोटल मार्क्स, 15 आपको करने हैं, उसमें से आप 5 ही कर दीजिए, आपके पास जो लास्ट के 90-50, 140 या 90 आपके 60-150 लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हैं, 25 मिनट बचे हैं, लेट्स से 25 मिनट्स, 30 मिनट्स बचे हैं, उसमें से लगभग 20-22 मिनट्स आप सेक्शन ए को दे सकते हो। 15-20 मिनट्स डिपेंडिंग कि आपकी स्पीड क्या है, एंड आप अटेम्प्ट कीजिए उन क्वेश्चंस को जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कोडिंग डीकोडिंग, वेन डायग्राम हो गया, आपका बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, जो कि आप देखते ही आसानी से कर सकते हो। जहाँ ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन है वहाँ मत फंसिए, क्योंकि आपको फिर रिविजन का टाइम नहीं बचेगा।
यहाँ पर आप एटलीस्ट जीरो से अच्छा है कि कुछ क्वेश्चंस टारगेट करके आओ, जितना आपको आता है, इट कैन बी 2, 3, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज लेवल। लेकिन ये मत भूलिए कि ए आपका पावर पॉइंट है एक तरीके से, जो कि बी और सी की नेगेटिव मार्किंग को सही करेगा, लेवल पर लाएगा एंड आपकी रैंक को भी एलिवेट करेगा। सो दैट इज द नीड कि आपको एटलीस्ट सेक्शन ए के लिए भी थोड़ा टाइम बचाना है। डायरेक्ट बेस्ड फॉर्मूलाज लिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको दी थी, अभी भी समय चाहे तो आप रिकॉल कर सकते हैं। ओवर अटेम्प्ट आपको किसी भी सेक्शन में नहीं करना है। सेक्शन सी मीन्स 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस। अगर आपने 26 भी कर दिया वो आपका कैलकुलेट नहीं होगा, तो समय क्यों बर्बाद करना है। हालांकि सीबीटी में एक लिमिट है, जब आप 25 की लिमिट पर पहुंच जाओगे, लाइक 25, 35, 15 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। सो मेक श्योर ओवर अटेम्प्ट करना भी नहीं है, होगा भी नहीं, टाइम सेव करना है। यहाँ पर लगभग आपको 15 से 20 मिनट्स जो है अपने लिए अलाउ करने हैं, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट अपना दे सकें। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही क्या नहीं रही, उतना टारगेट बनाकर प्लीज मत चलो। लास्ट ईयर की टारगेट 107 था जनरल कैटेगरी के लिए, जेआरएफ के लिए। इस बार आपको जितना बेस्ट 120, 130, 140, व्हाटएवर अगर आप दे सकते हो तो उतना दीजिए। आपका थॉट प्रोसेस ऊपर तक का होना चाहिए, लिमिट नहीं होना चाहिए पिछली कट ऑफ के हिसाब से। आप इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल देख सकते हो जो डीबीटी में हुआ है। डीबीटी में लास्ट तक 180, 181, 185 कट ऑफ जाती थी एंड स्टूडेंट्स वर लाइक कि अच्छा चलो हमारे 190 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, कोई बात नहीं निकल जाएगा। बेटा 235 चली गई कट ऑफ। सो दैट इज द थिंग, हमेशा आप अगर हायर लेवल का सोचोगे तो आपकी हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी, सेफ जगह पर आप रहोगे, सेफ जोन में आप रहोगे कि सिलेक्शन होगा। कल आपके साथ 3 घंटे केवल आप ही हो, नो वन इज देयर, योर इनर वॉइस आपके साथ है, जो दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, हम अपने लिए कर सकते हैं। बूस्ट योर सेल्फ इन बिटवीन, पेपर के बीच बीच में खुद को ही आपको हिम्मत देनी है, खुद को ही आपको पेशेंस देनी है, खुद को ही आपको बूस्ट करना है कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं करूँगा, करूँगी डेफिनेटली, चाहे कितना भी मुझे सोचना पड़े, अपने माइंड में कैलकुलेशन करना पड़े, पेपर पेन को यूज़ करना पड़े, आई विल डू इट। यही 3 घंटे आपकी पूरे साल की मेहनत को सम अप कर रहे हैं, इतना तो बनता है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, इन केस अगर आपको आंसर नहीं आ रहा नेक्स्ट पर मूव कर जाओ, ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। पूरे पेपर में से एटलीस्ट आप इतना पोर्शन कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, जो कि आपको आराम से पेपर क्लियर करा देगा। लास्ट के 10 to 15 मिनट्स आपको कंपलसरी बचाने अपने रिवीजन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मार्क फॉर द रिव्यू के लिए चीज़ें की है उनको क्लियर कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो भी एनालिसिस में आ जाएंगी। मोर ओवर आपको थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में पीना, हाइड्रेट रहना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आप हाइड्रेट रहोगे तो बॉडी का मैकेनिज्म भी थोड़ा सही रहेगा, उसके लिए भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सो ये और एडिशनल पॉइंट है एंड एज यू नो दैट अभी फिजिकल साइंस का भी पेपर हुआ है कल, लेवल बहुत हाई नहीं था, पेपर एकदम मॉडरेट था। एनटीए ने ही उनका पेपर बनाया है, सीएसआईआर ने आपका भी पेपर वही बनाया है उन्होंने, लेवल सेम रहता है, ऐसा नहीं है एक्सट्रीम में डिफिकल्ट आता है, एक में इजी आता है। नॉर्मली आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, तो दैट इज द मेन थिंग। मोरओवर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, वही आपका जीत का इकलौता कारण बनेगा। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर, एकदम रिलैक्स होकर अपना पेपर करना है। नॉर्मल जितना आपने याद किया है, जितनी आपने मेहनत की है, उसका जितना परसेंटेज आप बेस्ट दे सकते हो वो, रेस्ट जो होगा अच्छा ही होगा। आपकी 2 यूनिट प्रिपेयर हैं, 3 यूनिट प्रिपेयर हैं, 5 यूनिट प्रिपेयर हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आई वॉज़ रिसीविंग मेल, आई वॉज़ रिसीविंग कॉल
कि मेरी कम यूनिट्स हैं, मैं पेपर नहीं दे रहा। क्यों? व्हाई? आपने 2 यूनिट भी बिना टाइम दिए, बिना दिमाग लगाए तो याद नहीं की होंगी। दिमाग तो लगाया होगा, क्यों मेहनत बर्बाद कर दूँ? एक्सपीरियंस तो गेन करके आओ, दोबारा आएगा पेपर। फर्स्ट टाइमर्स, 2 यूनिट, 3 यूनिट, वॉट एवर, प्लीज़ एटलीस्ट एग्ज़ाम दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेज हमेशा मेरे लवली स्टूडेंट्स के साथ है, रहेंगी। जिस तरीके से हमेशा मैंने दिल से आपकी मदद की है, मैं आगे भी हमेशा आप लोगों के लिए रहूँगी। डेफिनेटली ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्लीज़ डोंट बी पैनिक, जस्ट रिलैक्स, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। एंड आई नो GRF तो आप मुझे लाकर ही दोगे ना, बिल्कुल दोगे। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, वंस अगेन ऑल द बेस्ट।